ओके सो लाइक एवरीबडी नोज़ कि हमने बायो मैकेनिक्स के टोटल टॉपिक्स तो कवर नहीं किए हैं, लेकिन वो जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम और अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट थे हम उनको कवर करते जा रहे हैं। और ये कुछ अच्छी से स्लाइड्स मिली थी मुझे जो सुजैन जी हॉल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैंने कहा उनको ऐड कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपके एग्जाम्स हैं और ये आपका टॉपिक है तो इसके अंदर जो भी BCQs इसमें से आने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आते स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि बायो मैकेनिक्स ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज। जैसे हमने हिप फ्रैक्चर और जैसे हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट और टोटल हिप रिप्लेसमेंट का पढ़ा था, उसमें भी दो एरियाज थे कि हम पार्शल ट्रांसप्लांट करते हैं या फुल या कम्प्लीट, ठीक है ना। इस तरीके से इसके जो बायो मैकेनिक्स के जो फ्रैक्चर के जो बायो मैकेनिक्स है उसकी जब हम फिक्सेशन करते हैं तो हमारे पास दो मेन एरियाज होते हैं। एक तो पहला तो ये होता है कि हमारे पास हम एक हमारा क्राइटेरिया होता है कि हम बोन को फ्रैक्चर बोन के फ्रैक्चर को किस तरीके से ठीक करें, हील करें, और दूसरा ये कि उसको स्टेबल कैसे करें कि भाई फ्रैक्चर होने के बाद अब ठीक होने के बाद वो पहले के जैसा काम करे, स्टेबल रहे, लड़खड़ाए ना, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है वो एरिया ये होता है या प्रायोरिटी ये होती है कि हम वो टेक्निक्स यूज़ करें जो फ्रैक्चर को मैकेनिकली स्टेबलाइज कर सके, ठीक है। यानी हम वो टेक्निक्स और वो डिवाइसेस यूज़ करें जो फ्रैक्चर को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सके। पहले तो हमारी नीयत ये है कि हमने क्या करना है कि बोन को स्टेबल करना है और उसकी हीलिंग करवानी है। दूसरा ये कि चीज़ें कौन से इस्तेमाल करनी है कि जिससे उसको स्टेबल कर सकें, ठीक कर सकें। अब दो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे की है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स विल एड द इंजीनियर टू इम्प्लांट डिज़ाइन। अगर हमें बायो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पता होंगे, मसल्स के अटैचमेंट, उसकी मूवमेंट्स, कौन से एरिया पे कितना प्रेशर जा रहा है, फोर्स लग रही है, अगर हम फ्रैक्चर ठीक कर भी देंगे तो उसके बाद हमें मतलब जिस जगह से आपने जोड़ा है अगर आपको पता चले उसी जगह पर ज़्यादा फोर्स लगती है तो फिर आप पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से जोड़ेंगे। उसके लिए आपको जितना भी डेटा चाहिए होगा वो बायो मैकेनिक्स का चाहिए होगा। तो बायो मैकेनिक्स प्रिंसिपल अगर आपको पता होंगे तो आपको इम्प्लांट डिज़ाइन जो इंजीनियर जो प्लांट डिज़ाइन की जो इंजीनियरिंग होती है उसमें आपको हेल्प होगी। दूसरा, ये जो आपका डेटा होगा बायो मैकेनिक्स का, ये आपको हेल्प करेगा कि वो सर्जन को हेल्प करेगा कि वो किस तरीके से कौन सी इफेक्टिव टेक्निक यूज़ करके सक्सेसफुल रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकता है। पहली बात ये कि इम्प्लांट किस तरह डिज़ाइन करना है, दूसरा ये कि रिज़ल्ट हासिल करने के लिए टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब सारी बातें तो हम आम अपनी ज़िंदगी में जो डिस्कस कर लेते हैं हमें मोस्टली पता भी होती हैं कि भाई स्क्रूज़ भी लगते हैं, प्लेट्स भी लगते हैं, नट्स भी लगते हैं, हड्डी के अंदर जो है जिसको हम कहते हैं रॉड डाली गई है एंड ऑल, वो वाली बातें हैं। लेकिन हम उसको थोड़ा सा मेडिकली टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए, जब हम BCQs देखें, MCQs देखें, हमसे वाइवा हो तो हम जो वो जवाब दे सकें। और अगर वाइवा आप अपनी ज़बान में भी दे देंगे ना, लाजमी नहीं है कि आप पूरी पूरी थ्योरी पढ़कर सुनाए उन्हें, तो अगर उनको ये पता होगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको मार्क्स दे देंगे। अच्छा, क्लिनिकल गोल ऑफ इफेक्टिव फ्रैक्चर ट्रीटमेंट इज़ रैपिड हीलिंग। अब वहाँ पे BCQ था, मैंने भी देखा पास पेपर्स में कि क्लिनिकल गोल क्या है इफेक्टिव फ्रैक्चर ट्रीटमेंट का, तो बहुत सारे ऑप्शन थे और रैपिड हीलिंग भी था। तो आपने इस तरीके के जो वर्ड्स इनके ऊपर ये इनको हाईलाइट किया हुआ है, इनको ज़्यादा फोकस करना है कि फ्रैक्चर स्टेबिलिटी और हीलिंग में हमारा क्लिनिकल बेसिक गोल क्या होता है फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में। भाई हम चाहते हैं कि जो फ्रैक्चर है जल्द से जल्द हील हो जाए और जो पेशेंट का जो फंक्शन है जो पहले करता था फ्रैक्चर से पहले हम उसको रिकवर कर सकें, एक बात ये। दूसरी ये कि जो ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं उनके अंदर रैपिड मोबिलाइजेशन एसेंशियल होती है, ठीक है, ताकि ज़्यादा दिन तक बिस्तर पे पड़े रहने से वो बीमार ना हो जाए। क्योंकि वो जो लोग पहले से ज़्यादा उम्र के हैं अगर वो बिस्तर पे ज़्यादा पड़े रहेंगे, एक तो ये कि ऑब्वियसली वो बिज़नेस भी करते होंगे, फैमिली भी चलाते होंगे, अगर वो ज़्यादा अरसे तक बिस्तर पर रहे तो उनकी फैमिली भी इफ़ेक्ट होगी। दूसरा ये कि वो खुद भी डिप्रेशन में आ जाएंगे और पड़े पड़े भी जो है वो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और जो जैसा कि हमने बात की थी काइनेजियोलॉजी में कि हमारे ब्रेन में से डिफरेंट मसल्स और बोन्स का जो डेटा है मूवमेंट का वो रिमूव हो जाता है और हम मूवमेंट्स भूल जाते हैं, तो हमें फिर फिजियोथेरेपी के हज़ारों सेशंस लेने पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, ठीक है। पहला गोल ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ फर्स्ट गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वहाँ पे क्या लिखा था, क्लिनिकल गोल था हमारा रैपिड हीलिंग। अब ट्रीटमेंट का जो हील है हमारे पास फ्रैक्चर की स्टेबलाइजेशन, यानी मैंने रैपिड हीलिंग तो करवानी है लेकिन अगर गलत तरीके से हड्डी जुड़ गई और फिर अगर वो बोन उसके ऊपर जो है वो मज़ीद कैल्शियम के कवर्स आ गए तो वो तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो पहले तो मेरी नीयत ये है हमारे क्लिनिक में आने का लोगों की नीयत ये होती है और हमारी होती है कि फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट है उसमें रैपिड हीलिंग हो, यानी फ्रैक्चर जल्द से जल्द ठीक हो। लेकिन उसके बाद सबसे पहला गोल होता है वही होता है कि फ्रैक्चर स्टेबलाइज सही से हो, यानी फ्रैक्चर की स्टेबलाइजेशन। सिंपल फ्रैक्चर आर स्टेबल विद लो लोडिंग, रिक्वायर मिनिमल ट्रीटमेंट। जो सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं
विद लो लोडिंग, उनको जो है वो मिनिमल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जैसे स्लिंग वगैरह जो आपने देखा हो ना, टांग लटका देते हैं इतना सारा प्लास्टर करके, मूवीज़ में देखा होगा, तो उसको हम कहते हैं स्लिंग। तो हम स्लिंग लगा दी, जैसे क्लेविकल के लिए हमने स्लिंग लगा दी, तो पेशेंट को उस तरीके से हम जो है हैंडल कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्चर्स में। लेकिन अगर कोई फ्रैक्चर मिड शाफ्ट में हो गया है, ठीक है, किसी फीमर की मिड शाफ्ट में हो गया है, तो उसको मेडिकल जो उसको मेजर जो है मेडिकल सर्जिकल जो है इंटरवेंशन देनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो है वो इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस है वो बोन के अंदर लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इंट्रामेडुलरी नेल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और बाहर की तरफ जो है प्लेट लगी हुई है। अब इसके भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल बोन का, वो आगे पढ़ेंगे हम। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर आर एक्सटर्नली अप्लाइड ट्रैक्शन, कास्ट एंड ब्रेसिस। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, अच्छा, जो यहाँ पर कायरोप्रैक्टर भी करते हैं, किसी की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो वो झटके मटके दे के हाथ के अंदाजे से, जिसको हम ट्रैक्शन बोल रहे होते हैं, उससे जो उसको जगह पर कर देते हैं, उसके बाद उस पर मुल्तानी मिट्टी और लकड़ी मकड़ी लगा के उसको फिट और टाइट करके और प्लास्टर बांध के भेज देते हैं, ये नेचुरली जो है वो ठीक हो जाएगा। सेम इस तरीके से हम भी मेडिकल फील्ड में करते हैं, बट हम डॉक्टर हैं तो हमारे थोड़े से तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हम भी ट्रैक्शन देते हैं, हम उसको ट्रैक्शन देने के बाद उसका एक्सरे करते हैं कि फिक्स हुआ है सही से नहीं हुआ, उनको तो अंदाज़ा होता है ना, तो हम जो है एक्सरे वगैरह करवाते हैं, क्योंकि हमने जो है वो काम क्या कहना चाहिए कि हम प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स हैं तो हमें परफेक्ट काम करना होता है। एक्सरे के बाद हम उसके ऊपर ब्रेसिस वगैरह लगाते हैं और अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्चर जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो करते हैं, ब्रेसिस वगैरह लगा के, प्लास्टर लगा के। हम कहते हैं कि फ़िलहाल जब तक कि कुछ दिन तक, 7 दिन तक या 12 दिन तक थोड़ा सा रिपेयर नहीं होता, आपने जो है वो ज़्यादा हिलने जुलने वाली मूवमेंट्स नहीं करनी है, उसको रेस्ट पर रखना है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नली अप्लाइड, कि बाहर से आपने ट्रैक्शन दी और बाहर से ब्रेसिस लगा दिए। एक्सटर्नल फोर्सेज और कॉन्स्ट्रेंट अप्लाइड टू इंजर्ड लिम्ब एक्ट टू स्टेबलाइज फ्रैक्चर एंड मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ लिम्ब। अब अट्रैक्शन करने का क्या है मसला, कि भाई अगर आपने सीधे किसी ट्रैक्शन नहीं की और अगर बोन टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया तो पूरा जो आगे लिम्ब है, जो भी अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, जो भी है, वो आगे जो है उसकी मूवमेंट ख़राब हो जाएगी। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जहाँ पर आपने मिस अलाइनमेंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी पिक्चर्स के हड्डी जो है वो गलत जुड़ गई, और वो गलत जुड़ने के बाद उसी तरीके से जो है वो रिपेयर भी हो गई, हील भी हो गई। अब जो हाथ है वो बंदे का उल्टा हुआ है, टेढ़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ब्लड सप्लाई भी जो है वो वहाँ पे क्या कहना चाहिए कि ब्लड सप्लाई के भी जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है वहाँ पर, और हाथ जो है वो कहीं से साइज़ छोटा हो गया, कहीं से बड़ा हो गया, ठीक है, मिस अलाइनमेंट की वजह से पॉस्चर भी ख़राब और कोई एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, तो हमें बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं जब इस तरीके की चीज़ हो जाती है। अब रिलेशनशिप ऑफ बायोमैकेनिकल फोर्सेज बॉन्ड बाय डिवाइस टू दोज बॉन्ड बाय बोन लोड बियरिंग इन्फ्लुएंसेस फ्रैक्चर हीलिंग एंड डिवाइस सर्वाइवल। ठीक है, बायोमैकेनिकल फोर्सेज जो बोन पे लगी हुई होती हैं, जो बोन की होती हैं और जो बोन पर लग रही होती है, बोन की क्या कि कुछ मसल्स जो है बोन से अटैच होते हैं और कुछ बोन पर अटैच होते हैं, यानी एक मसल का हेड अगर बोन पर है, फीमर पर है, तो दूसरा जो है वो उसके पेल्विस पर होगा। ठीक है, तो कुछ फोर्स जो है वो हमारे बॉडी की मसल्स की लग रही होती है, बायोमैकेनिक्स की यानी, और कुछ फोर्स हमारी एक्टिविटीज की वजह से हमारे बोन पर लग रही होती है। तो जो रिलेशनशिप है बायोमैकेनिकल फोर्सेस का, ये फ्रैक्चर के हीलिंग में जो है वो फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। फ़ायदा इस तरीके से देता है कि हमें पता है जब किसी चीज़ पे प्रेशर पड़ता है, वो धंसती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से कैल्शियम की कोटिंग हो पाती है, तो इस तरीके से हेल्प भी करता है। थोड़ा सा फिर नुकसानदेह भी है कि अगर अभी आपका फ्रैक्चर जुड़ा है और आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी और अगर उसी जगह प्रेशर आना पड़ गया, प्रेशर आना शुरू हो गया, तो हमारा इम्प्लांट जो है वो फेल भी हो सकता है। बट इस फ्रैक्चर हीलिंग माइक्रो मोशन हैज़ बीन शोन टू एड हीलिंग। हल्की फुल्की मूवमेंट करवा दें अगर हम अपने पेशेंट की, जैसे उसका टांग जो लटकी हुई है ना, तो कभी स्लिंग को लूज़ कर दें, कभी टाइट कर दें, कभी स्लिंग ऊपर या नीचे कर दें थोड़ा सा, तो माइक्रो मोशन जो है वो थोड़ा सी हेल्प कर देता है हीलिंग में। रिजिड फिक्सेशन लीड टू डिलेड हीलिंग, बोन एट्रोफी, बोन ऑफ एक्सटर्नल लैक ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई नेसेसरी फॉर हीलिंग प्रोसेस। अगर आप रिजिड फिक्सेशन कर देते हैं, हम फिक्सेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि हीलिंग थोड़ी सी डिले हो जाती है, बोन एट्रॉफी हो जाती है, बोन का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। अच्छा, आपने जब देखा होगा कि बाज़ लोगों का जब प्लास्टर उतरता है टांग पे से, तो एक टांग जो है वो बड़ी लग रही होती है, एक टांग छोटी लग रही होती है, उस चीज़ की बात हो रही है। और स्टिमुलाई बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टच मिलना बहुत ज़रूरी है हीलिंग प्रोसेस के लिए। सेवरल मेथड टू प्रमोट हीलिंग बाय एक्सटर्नली स्टिमुलेटिंग फ्रैक्चर विद अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील आर इन क्लिनिकल यूज़। अब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मेथड्स उन्होंने दिखाए थे कि अल्ट्रासाउंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है अगर हम अपने फ्रैक्चर को स्टिमुलेट करें तो हम जो है वो बेहतर हीलिंग को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, सिम्पसन साहब थे 2006 में, उन्होंने क्या किया था कि किसी एक पेशेंट का जो है वो
जो फ्रैक्चर था ना वो हील नहीं हो रहा था, और वो उनको किसी चीज़ में पार्टिसिपेट भी करना था। ठीक है, ये दो तीन केसेस हैं एक साथ में, आपको थोड़ा सा बता रही हूँ तो आपको सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, आपने पढ़ा होगा GFH होता है, ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो उन्होंने जो है वो बायोलॉजिकली उनको जो है इंसर्ट कर दिए, बॉडी में इंसर्ट कर दिए, ताकि जो फ्रैक्चर जल्द अज जल्द जो है वो रिकवर हो सके। तो एक ये चीज़ थोड़ी सी बताने की थी। अब इसके फ़ायदे हुए या नुकसान हुए ये यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये तरीका भी अपनाया था। और हमारे यहाँ भी ये होता है कि हम कुछ इंजेक्शन्स जो है लिख कर देते हैं ताकि बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हों और हमारी बॉडी जो रिकवर कर जाए। अब ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज़ होना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम भी जो है इंजेक्शन देते हैं कि ताकि बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो और बोन जल्दी जल्दी हील हो जाए। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी तो है ना, अगर सिर्फ बोन ही ग्रोथ करता है तो बात थी, लेकिन पूरी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, और ऐसा होता है कि पूरी जो बॉडी जो प्लास्टर लगी हुई प्लास्टर के अलावा है वो मोटी सी हो जाती है, और जो लेग है उसका बोन तो रिकवर हो जाता है लेकिन वहाँ पर एट्रॉफी हो जाती है मसल्स की, थोड़े से जो साइज उसमें जो है एसिमेट्री आ जाती है। ठीक है, कैलस कैन फॉर्म बोथ पोस्टीरियर पेरिस्टली एंड एंडियोस्टली एनलार्जेस द डायमीटर ऑफ बोन एट फ्रैक्चर साइट्स। कैलस क्या होता है, हमारी बोन के ऊपर लेयर बन रही होती है, उसी की बात हो रही है कि ये पेरिस्टली एंड एंडियोस्टली डायमीटर को बढ़ा देता है फ्रैक्चर की साइड के। इंक्रीज स्टिफनेस इन बेंडिंग एंड टॉर्जन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी वजह से जो है बेंडिंग के और बेंडिंग और टॉर्जन में जो वो स्टिफनेस भी जो है ज़्यादा आ जाती है। बस ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ये है ना कि अगर टूटी हुई हड्डी है और उसमें भी कैल्शियम अगर आया जा रहा है तो फिर जब आप ज़्यादा दिन अपने फ्रैक्चर के बाद ज़्यादा दिन बाद अगर आप गए हैं, ठीक है ना, हड्डी लेकर और देर से गए हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर जब तक जो बोन की थोड़ी बहुत लेयर आ चुकी होगी वो जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी, और अगर वो जुड़ भी जाएगा तो हल्की सी बेंडिंग में या कुछ भी करने में वो सूजन हो जाएगी और वो सही तरीके से आपका जो बोन है वो हील नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ की बात करें, अच्छा, ब्लड सप्लाई भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अच्छे से हीलिंग करानी है तो आपका ब्लड सप्लाई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत अगर सीवियर केसेस होते हैं तो हमें जो है ब्लड सप्लाई हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाती है, हम कुछ भी कोशिश कर लें तो ब्लड सप्लाई हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जबकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं, जान लगा देते हैं कि, और सर्जन भी वो जान लगा देते हैं कि भाई किस तरीके से वेस्कुलर सप्लाई जो है वो बोन की वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जल्द से जल्द वो वेस्कुलराइजेशन हो जाए। कि जब आप बोन जब टूट गया है, जब आप टांग काटेंगे, काट के जब उसके अंदर आप दूसरा रॉड वगैरह लगाएंगे देखेंगे तो जो मसल्स ऊपर होंगे वो भी तो कटेंगे ना, तो अगर ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं होगी तो वो तो फिर कटे के कटे ही रह जाएंगे, उसके ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो स्टिमुलेटर्स लगे हुए हैं वो सब काम करना छोड़ देंगे और इस तरीके से आपकी जो मूवमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सर्जिकल फैक्टर्स क्या है, प्रिंसिपल फैक्टर इज मैकेनिकल लोडिंग। सर्जिकल फैक्टर्स का जो प्रिंसिपल फैक्टर है वो मैकेनिकल लोडिंग है, याद रखिएगा, BCQ आएगा लाजमन। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था व्हाट इज़ BCQ, BCQ इज़ बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, यानी सारे आंसर सही होते हैं लेकिन जो बेस्ट होता है वो लगाना होता है। MCQ में मल्टीपल चॉइस होते हैं कि तीन गलत एक सही होते हैं, लेकिन BCQ में चारों सही होते हैं लेकिन जो बेस्ट वाला होता है ना वो लगाना होता है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा मैकेनिकल लोडिंग, ऑल टाइप्स टेंशन बेंडिंग और टॉर्शन मैग्नीट्यूड फोर्सेज और विच फिक्सेशन विल बी सब्जेक्टेड। भाई मैकेनिकल लोडिंग का ख्याल रखना होता है, प्रिंसिपल फैक्टर क्या होता है सर्जिकल फैक्टर्स का, कि जिस जगह मैंने अभी इम्प्लांट किया है अगर वहाँ पर ज़्यादा के ज़्यादा लोडिंग होती है या वो ज़्यादा मूवमेंट वाली जगह है या मुझे पता है मेरा पेशेंट 10 दिन बाद खड़ा होने की कोशिश करेगा और बॉडी का जो वो आधे से ज़्यादा, अगर बॉडी 70 किलो की है, 60 किलो की है, तो 30 से 35 किलो लोड इस पर आएगा, तो क्या ये मेरा इम्प्लांट जो वो ठीक रह सकेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड फोर्सेज, टेंशन, बेंडिंग, टॉर्शन, जो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो मैकेनिकल लोडिंग है, इसको थोड़ा समझना है आगे जो है ठीक हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। अनदर फैक्टर इज बोन क्वालिटी। अब यहाँ पे जब लिखा है ना अनदर फैक्टर, जो वहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल फैक्टर मैकेनिकल लोडिंग, दूसरा है बोन क्वालिटी, तो जब दोनों लिखे हुए होंगे तो दोनों आंसर ही सही है, लेकिन प्रिंसिपल फैक्टर मैकेनिकल लोडिंग है तो आंसर वही सही होगा इन द BCQ। MCQ में दोनों सही हो सकते हैं, आप कर सकते हैं और भी, ठीक है ना। अनदर फैक्टर इज बोन क्वालिटी, बोन क्वालिटी कैसी है जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई कितनी स्ट्रेंथ जो है वो अवेलेबल है कि हम जो वो जो हमारे फिक्सेशन डिवाइस को जो ठीक कर सके, यानी अगर बोन पहले से पतला है, ब्रिटल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, तो मैं कैसे उसमें जो वो स्क्रूज लगा सकूँगी, प्लेट्स लगा सकूँगी, पॉसिबल नहीं होगा ना। अगर बोन थोड़ा सा स्ट्रांग है तो मुझे फिर आसानी होगी कि मैं फिक्सेशन डिवाइस जो है क्लियरली उस पर इम्प्लांट कर सकूँ। क्लिनिकल ट्रायल्स आर द मेजर मेथड यूज टू एवेलुएट एफिकेसी ऑफ फिक्सेशन मेथड, अडॉप्ट appropriate technique to qualify data and design trial, many variables can be properly analyzed and proper statistical significance determined। जो भी हम अपने फिक्सेशन डिवाइस यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, उनका पहले से वो मेडिकल ट्रायल हो चुका होता है,
क्लिनिकल ट्रायल हो चुका हुआ होता है, जिस तरह हम देखते हैं ना कि कोई भी वैक्सीन लाने से पहले उसके बहुत सारे जो है ट्रायल्स होते हैं, इस तरीके से इन डिवाइसेस का भी ट्रायल्स हो चुका होता है। बास का जानवरों पर होता है और जिनका इंसानों पर होता है, फिर उनको बैन कर दिया जाता है। लेकिन आफ्टर सो मैनी ट्रायल्स जब ये चीज़ कामयाब हो जाती है तो उसके बाद ही किसी की पेशेंट के ऊपर जो उसको अप्लाई किया जाता है। फिक्सेशन डिवाइस मेथड्स क्या क्या होते हैं ये याद रखने हैं आपने। कॉमन इम्प्लाइड डिवाइस यूज टू अचीव फ्रैक्चर फिक्सेशन, कॉमन डिवाइस जो यूज़ की जाती हैं वो वायर, स्टेबल पिन, प्लेट्स एंड स्क्रूज होते हैं। और ये मैं अभी कल पढ़ी थी, पास्ट पेपर से उनमें सवाल था, ठीक है। वायर भी, स्टेपल्स भी, पिन और प्लेट्स और स्क्रूज, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं इम्प्लांट्स के लिए। यूजली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है, समटाइम्स टाइटेनियम एलॉय और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनमें जंग नहीं लगता और जो जहर प्रोड्यूस नहीं करती हैं अगर आपके ब्लड के साथ मिल भी जाएँ। और कुछ चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं जो खुद ब खुद जो वो डिग्रेड हो जाती हैं और वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे आजकल वो नहीं आता जो स्टिचेस लगाने के लिए, तो स्टिचेस खोलने नहीं पड़ते, वो वहीं के वहीं खुद ही गल कर ख़त्म हो जाते हैं, वो वाली बात। अच्छा, ईच मेटल हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर मेटल की जो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वो कहते हैं ना भाई, आपको इतना पैसा है तो ये वाला लगवा लें, इतना पैसा तो ये वाला लगवा लें, आपकी रेंज के अकॉर्डिंग वो सारे जो वो रेट्स दे रहे होते हैं वो ये वाला हिसाब है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हिसाब से। अच्छा, सच एज स्ट्रेंथ MRI, मॉड्यूलर रेजिस्टेंस इमेजिंग, पॉलीमर्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन मेटल्स, पॉलीमर्स जो मेटल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा लोड जो है बेयर कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी जो है वो आपके बोन को हील कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी जो है वो रिमूव नहीं कर जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी ऑपरेशन करके भैया अभी जो लगाया था उसको निकाल लो, ये खुद ही जो है डिग्रेड हो जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज विद टाइम, अवॉइडिंग स्ट्रेस, यूज़ ऑफ वेरियस ग्लूज, सीमेंट एंड एडहेसिव्स फॉर फ्रैक्चर फिक्सेशन आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। जो भी उसके अंदर ग्लूज और सीमेंट और एडहेसिव्स हम यूज़ करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उनको ऑपरेशन करके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वायर फिक्सेशन या सॉलिड और केबल फिक्सेशन जो है वो कार्टिलेज बोन सूचर के तौर पर यूज़ होती है, यानी जिस तरह हमारे सर में सूचर्स है ना, अगर आपने हेड एनाटॉमी पढ़ी भी होगी तो उसमें आपने देखे होंगे कि हमारे पास जो सर के अंदर जो जॉइंट्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, वो उनके जो बीच में दरार है उसको हम कहते हैं कि सूचर है। तो जो हम वायर वगैरह यूज़ करते हैं वो फिक्सेशन के लिए, वो इस तरीके से उसको सूचर के तौर पे काम करती है, उसको जोड़ने के लिए, दो बोन्स को, टूटे हुए बोन्स को जोड़ने के लिए। मल्टीपल वायर रिक्वायर टू प्रोवाइड स्टेबल थ्री डायमेंशनल फिक्सेशन, ज़्यादा जो वायर रिक्वायर होती है अगर आपको थ्री डायमेंशनल फिक्सेशन देनी हो, अगर ज़्यादा जो वो सीवियर फ्रैक्चर है तो फिर आपको मल्टी डायमेंशन देनी पड़ती है, ठीक है। सूचर कैन बी यूज्ड विद सूचर्स कैन बी यूज्ड विद सूचर एंकर सिस्टम टू अटैच सॉफ्ट टिश्यू एंड एलिमिनेट डिफिकल्टी टू लूपिंग अ सूचर थ्रू बोन एंड यूज एब्रेशन अगेंस्ट बोन, ठीक है, ये आसान समझने की बात है। स्टेपल अलोन डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट मैकेनिकल स्टेबिलिटी फॉर परमानेंट फिक्सेशन, सिर्फ स्टेपल जो है वो आपको सफिशिएंट मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो वो नहीं दे सकती। क्रेशनर्स वायर, जिसको हम के वायर्स भी कहते हैं, वो बोन के फ्रेगमेंट्स को होल्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं और छोटे छोटे बोन फ्रैक्चर्स को पिन करके जो है स्टेपलर करके दो पेजेस को जोड़ते हैं, तकरीबन उस तरीके का निज़ाम होता है, उनको जोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन इनके अंदर भी मैकेनिकल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, लेकिन इनको प्राइमरी फिक्सेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी अगर मैंने बोन का बड़ा ऑपरेशन कर रही हूँ और मुझे थोड़ी देर के लिए उसको जोड़ना है, लाइक हम करते हैं ना कि पहले जो वो उसको कच्चा करते हैं फिर पक्का करते हैं, तो पहले जो कच्चा करते हैं ना जिस तरीके से जोड़ने के लिए, वो इस तरीके से करते हैं कि वायर्स लगा दी स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद जो है वो बोन का जो वो अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर दिया ताकि बोन जो है उस वक्त वहाँ पर जुड़े लें बोन, क्योंकि में इतनी ताकत नहीं होती कि बोन के ऊपर जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त कर लें, ठीक है। एटलीस्ट टू वायर शुड बी यूज फॉर ईच बोन फ्रेगमेंट, एक बोन फ्रेगमेंट के लिए कम से कम दो वायर सही होती हैं। शुड नॉट बी इंसर्टेड इन पैरेलल मैनर, पैरेलल मैनर में जो वो नहीं इंसर्ट होने चाहिए। प्रिवेंट पिस्टनिंग ऑफ बोन फ्रेगमेंट अलॉन्ग वायर्स, ठीक है। थ्रेडेड पिन प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी, थ्रेडेड पिन जो वो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ये स्लाइडिंग ऑफ बोन फ्रेगमेंट्स को जो वो कम करती हैं कि बोन के जो सेगमेंट्स हैं वो फ्रेगमेंट्स हैं वो फिसले ना, वो अपनी जिस जगह पर हम जोड़ना चाह रहे हैं उनको फ्रैक्चर को हील करने के लिए वहाँ पर जुड़ जाएँ। रिमूवल इज़ डिफिकल्ट, इनको फिर रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पिनिंग इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन, अच्छा ये जो सारे हम पढ़े ना कि स्टेबल का ये फ़ायदा है, के वायर्स का ये आएंगे BCQs में लिखे हुए कि स्टेपल यूजली डोंट, आगे फिर वो लिखा हुआ होगा और आपको जो है सही लिखना होगा कि भाई इसका कौन सा आंसर हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से, ठीक है। पिनिंग इज़ यूज इन कॉम्बिनेशन विद सूचर्स, पिनिंग जो है वो सूचर के कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती है। लूप्ड विद लूप्ड एंड टाइटेंड अराउंड पिन एंड्स, टेंशन बैंड टेक्निक प्रोवाइड इंक्रीज मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ फिक्सेशन। पिनिंग जो है वो सूचर्स के साथ यूज़ की जाती है, कॉम्बिनेशन में वायर्स के साथ यूज़ करते हैं इसको, मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ फिक्सेशन के लिए जो है हेल्प करती है ये, इस तरीके से देखो पिनिंग भी की हुई है, पिक्चर ए देखो, टेंशन बैंड वायर लगाया हुआ है इसके अंदर,
लूप ऑफ टेंशन बैंड वायर इज शोन प्रायर टू टाइटनिंग। पिक्चर ए के अंदर टेंशन बैंड वायर लगाया हुआ है ताकि टाइटनिंग की जा सके। बी में लगाया हुआ टेंशन बैंड वायर इज टाइटन बाय ट्विस्टिंग द वायर एंड कटिंग। जिस तरह दो चीज़ों को तोड़ के जोड़ के तार बांध दो, फिर तार को घुमा घुमा के टाइट कर दो, बकाया हिस्सा काट दो, वो वाला हिसाब किताब डिटो। और ये चीज़ देखो यहाँ पे लिख रहा है, तो इस तरीके से होता ही है। ठीक हो गया। टू बेसिक टाइप ऑफ स्क्रूज, दो टाइप के हमारे पास स्क्रूज होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल, एक होता है कैंसिलियस। कैंसिलियस स्क्रूज जो है वो ज़्यादा अंदर तक जा सकता है। रेशियो ऑफ आउटर थ्रेड डायमीटर टू बॉडी डायमीटर मेजर इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्क्रू होल्डिंग पावर। आउटर थ्रेड डायमीटर, ठीक है ना, आपके पास जो स्क्रूज होते हैं ना, मैं पिक्चर दिखा दूँ आपको, कुछ जो वो प्लेन होते हैं और आगे जाकर जो वो इसके ऊपर थ्रेड बनता है, और कुछ में स्टार्टिंग से बन जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपको फ्रैक्चर कौन सा है। तो ये जो है ना, इनके ऊपर ये जो आपके पास स्क्रूज हैं, इनके ऊपर आपका जो बोन है अगर वो ग्रो करता है तो वो इसके ऊपर भी ग्रो कर सकता है। यानी इसके ऊपर वो अगर बोन की लेयर पे लेयर आती जाएंगी तो ये उसके अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब, उसके अंदर मतलब धंस जाता है, ये हिलता डुलता नहीं है उसके बाद। तो ये दो टाइप के, ये पिक्चर इसलिए दिखाई क्योंकि मैं पढ़ती ना तो आपको ऐसे समझ में नहीं आता, ठीक है, आप समझेंगे। आप कैंसिलियस स्क्रूज होते हैं मेजर इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्क्रू को इन्फ्लुएंस करते हैं वो होल्डिंग पावर है। जो आउटर थ्रेड डायमीटर है वो भी जो है वो उस चीज़ पे, जैसे आउटर थ्रेड डायमीटर के बाहर का जो थ्रेड डायमीटर है वो कितना, ये भी इस बात पे इन्फ्लुएंस करता है कि बोन के अंदर जाके वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर मैं पिक्चर मैंने डाली, ये देखो, अगर आपको जो बड़ा पोर्शन है जैसे हमारे पास नेक ऑफ फीमर है उससे लेकर मुझे इसके कॉन्डाइल तक जो है वो हेड तक जो है वो स्टेबलाइजेशन देनी है, मेरा बोन यहाँ से टूटा था तो मैं ये वाला लगाऊंगी जिसके हेड पर ज़्यादा थ्रेड्स हैं। और जब मुझे सिर्फ स्टेबिलिटी देनी है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इसका जो फीमर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी होल्ड किया जाए, तो मैं छोटा वाला लगाऊंगी, ठीक है। ये इस तरीके से होते हैं, ये बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, बीच में रॉड भी डाली जाती है, फिर ऊपर भी स्क्रूज़ और नीचे भी स्क्रूज़, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई अगर आपका बोन ज़्यादा ही ब्रिटल है, अंदर से नाजुक है, तो ये नट काम नहीं करेंगे वहाँ पर, लेकिन अगर आपका बोन ज़्यादा थिक है तो ये काम कर जाएंगे। फ्रैक्चर नॉर्मल है तो भी ये काम जो कर जाएंगे, ठीक हो गया। क्वालिटी ऑफ बोन ऑल्सो डिटरमाइंस स्क्रू होल्डिंग एबिलिटी। कॉर्टिकल बोन इज अप्रॉक्स 10 times स्ट्रॉन्गर देन कैंसिलियस बोन। जो आपका कॉर्टिकल बोन है वो कैंसिलियस बोन से 10 times ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वो ज़्यादा थिक होता है। द थिकनेस ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ डिग्री ऑफ ऑस्टियोपेनिया बोन डेंसिटी, जो मैंने बात की कि बोन जितना थिक होगा उतनी आसानी की वाली बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्क्रूज आर ऑफन कम्बाइंड विद प्लेट्स टू अचीव एडिक्वेट स्टेबिलिटी। प्लेट्स के साथ कंबाइन करके स्क्रूज लगाए जाते हैं ताकि जितनी हमें स्टेबिलिटी चाहिए उतनी हमें स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ मिल जाए फिक्सेशन की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्लेट प्लेसमेंट ऑप्टिमल साइड ऑफ सिंगल साइड, ठीक है। अगर आपके पास अगर आप एक प्लेट, वैसे तो हम यूजली दो प्लेट्स लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक प्लेट लगाते हैं बोन पे तो आप सिर्फ उस जगह पर लगाते हैं जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ हो, यानी ज़्यादा जहाँ पर तकलीफ हो, यानी जहाँ पर आपने आपके बोन को ज़्यादा फोर्स बियर करने की जरूरत पड़ेगी, आप वहीं प्लेट लगा देंगे कि भाई यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ होगी तो यहाँ लगा दी, ठीक है। और जिस एरिया पर नहीं होगी उधर नहीं लगाएंगे हम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले तो फिर हम दो प्लेट्स लगाएंगे और दोनों तरफ लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है सिंगल प्लेट एप्लीकेशन इज ऑन द साइड ऑफ बोन सब्जेक्टिव टू टेंशन या कंप्रेशन। जहाँ पर बोन पर टेंशन और कंप्रेशन रहेगी वहाँ पर लगाते सिंगल, लेकिन यूजली हम दो जो प्लेट जो यूज़ करते हैं ताकि बेटर फिक्सेशन और स्टेबिलिटी हासिल कर सकें। मेजर सर्जिकल कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ प्लेट्स रिक्वायर लार्ज एक्सपोजर ऑफ इंजर्शन एंड कैन कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई बाय इट्स एक्सपोजर। अगर हमें मेजर सर्जिकल कंसिडरेशन में हैं हम, अगर हमें जो है वो इंसर्शन करनी पड़ेगी अगर इस तरीके के स्क्रूज और प्लेट्स की इन टू द बोन, तो हमें जो है वो ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि फिर या तो वहाँ से वेसल्स गुजर सकती हैं या फिर हम जो है ये प्लेट लगा सकते हैं और ये स्क्रूज लगा सकते हैं। पॉलीमरिक प्लेट्स आर मोर फ्लेक्सिबल। पॉलीमरिक प्लेट जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, अचीव ग्रेटर डिग्री ऑफ माइक्रोमोशन। माइक्रोमोशन का जो ज़्यादा एंगल जो वो अचीव कर लेती हैं और बोन हीलिंग में जो मदद करती हैं और मिनिमाइज कर देती हैं स्ट्रेस को। अच्छा, जो हिप फ्लेक्चर के डिवाइसेस यूज होती हैं वो दो होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, जो मैंने पहले ही बात की थी। तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं वो बाहर की तरफ लगती हैं, इंटरनल जो है वो अंदर की तरफ लगती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल डिवाइस इज अ साइड प्लेट अफेक्ट्स टू फीमर। मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल डिवाइस जिस तरह इस पिक्चर में है कि एक साइड प्लेट होती है जो फीमर के साथ जो अटैच होती है, और इंटरनल डिवाइस ऑफ फिक्सेशन आर यूजुअली इंट्रामेडुलरी नेल्स। और इंटरनल डिवाइस होती है कि हम कील की तरह से होती हैं जो हम जो हड्डियों के अंदर जो है डाल देते हैं फिक्सेशन के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस इज यूज फॉर फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन।
एक्सटर्नल डिवाइसेस बाहर से फ्रैक्चर को स्टेबल करने के लिए होती है, और अंदर वाली जो लगाते हैं हम ताकि बोन जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाए, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। ठीक है, जिस तरह ये देखो इसमें साफ दिखा हुआ है, अंदर है ताकि इसकी शेप मेंटेन रहे और ये फिक्स रहे, रिजिड रहे, और बाहर से जो है वो उसको प्लेट्स लगाएंगे ताकि बाहर से ये स्टेबल रहे। ऐसे ना अंदर से पिन लगा दी, बाहर से प्रेशर पड़े, ये घूम जाए, टेढ़ा हो जाए। ठीक है, अब है ये स्पाइनल इम्प्लांट्स। स्पाइनल इम्प्लांट्स यूज फॉर डिफॉर्मिटी करेक्शन और फ्रैक्चर फिक्सेशन। ये भी BCQ पढ़ा हुआ था मैंने, पीछे पढ़ा था। तो स्पाइनल इम्प्लांट्स यूज फॉर, उसके आगे BCQ था, फॉर डिफॉर्मिटी करेक्शन और फ्रैक्चर फिक्सेशन, ये इसका आंसर है। तो स्पाइनल इम्प्लांट्स है वो अगर डिफॉर्मिटी हो गई उसकी करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, या फ्रैक्चर हो गया है तो उसको फिक्स करने के लिए यूज़ करते कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसके अंदर रॉड्स, वायर, प्लेट और स्क्रूज जो है यूज़ होते हैं। रॉड्स, वायर, प्लेट्स एंड स्क्रूज ये यूज होते हैं। जंक्शन बिटवीन दीज कॉम्पोनेंट्स आर ऑफन साइट ऑफ फेलियर। अब इनके बीच में जो जंक्शन होते हैं वो साइट ऑफ फेलियर होते हैं, क्योंकि जब भी आप हल्की सी भी मूवमेंट करते हैं ना, तो ये जो आपके स्पाइनल इम्प्लांट्स हैं ना वो हिल जाते हैं। ठीक है, ये इस वजह से जो आपके इम्प्लांट्स फील होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बंदा बिल्कुल स्टेटिक पोजीशन में नहीं बैठ सकता, आप कितनी भी कोशिश करें ज़्यादा देर सीधे नहीं बैठ सकते। द साइज़ एंड लोकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट साइज ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड टू स्पाइना आर लिमिटेड। ठीक है, साइज़ और लोकेशन देख के जो है हम अपनी डिवाइस जो है अटैच करते हैं, लेकिन वो साइज़ और लोकेशन जो हम जिन पर हम अटैच कर सकते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। मतलब बहुत कम ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हम जो है ये इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। दीज डिवाइसेज आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेज ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ नेक, फेलियर कैन ऑकर, फिक्सेशन फेलियर कैन ऑकर। क्योंकि अब यहाँ पर जो भी साइड्स हम जो वो हासिल करते हैं डिवाइस के फिक्सेशन के लिए, वहाँ पर जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो लाजमी होती है ना। आप स्पाइन की बात करें, स्पाइनल एरिया पर आप देखिए हल्की सी भी मूवमेंट में कितने ज़्यादा आपके स्पाइन के जो है एंगल्स चेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से जो वो फिक्सेशन में जो फेलियर आ जाता है। कौन से फिक्सेशन स्पाइन में, आपके स्पाइनल इम्प्लांट्स में। अब इसकी समरी जो है ना वो दिखने में तो समरी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखें, इसमें सारा कुछ है। रिजिड और सेमी रिजिड माइक्रो मोशन डिवाइस इज नेसेसरी फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड करेक्ट बोन ओरिएंटेशन। रिजिड हो या सेमी रिजिड हो, जिसमें आप माइक्रो मोशन कर सकें ना, माइक्रो मोशन डिवाइसेस बहुत ज़रूरी होती है मैकेनिकल स्टेबिलिटी और करेक्ट बोन ओरिएंटेशन के लिए। आप दोबारा सुने, रिजिड और सेमी रिजिड डिवाइस इज नेसेसरी फॉर वॉट, मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड करेक्ट बोन ओरिएंटेशन। दूसरी चीज़, ग्रॉस मोशन इनस्टेबिलिटी इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई में लीड टू फ्रैक्चर नॉन यूनियन। अगर इनस्टेबिलिटी होगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, ग्रॉस मोशन होगा, अभी हमने फ्रैक्चर किया, बंदा टांगे हिला रहा है, ब्लड उसको पूरा पहुँच रहा नहीं है, बोन से इसे अटैच नहीं हुआ, तो फिर फ्रैक्चर का नॉन यूनियन हो जाएगा, यानी वो फेल हो जाएगा। फ्रैक्चर दैट डिटरमाइन ऑप्टिमल फिक्सेशन फॉर फ्रैक्चर एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। वो फैक्टर्स जो ऑप्टिमल फिक्सेशन ऑफ फ्रैक्चर को जो है वो क्या कहना चाहिए कि को हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं, वो हैं ये चार। मैकेनिकल कंसिड्रेशन कि भाई उसके पर उस एरिया पर कितना मैग्नीट्यूड काम कर रहा है, कितना फोर्स उस चीज़ पर लग रही है, बोन का स्ट्रेंथ कैसा है, सर्जिकल एनाटॉमिकल कंसिड्रेशंस क्या है, उसने कौन से लेवल की जो है वो अपने लिए सर्विसेज डिमांड की हैं। जैसे हमने बात की ना कि कुछ बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें जल्दी हीलिंग हो जाती है, कुछ के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, कुछ के लिए हमें सेकेंडरी सर्जरी भी करनी पड़ती है रिमूवल ऑफ द डिवाइसेस के लिए। ठीक है ना, और तीसरी चीज़ है कि टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर, कि भाई कितना सॉफ्ट टिश्यू जो है डैमेज हुआ है और किस किस्म का फ्रैक्चर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं चार। तो ये हमारा जो था फ्रैक्चर फिक्सेशन जो टॉपिक खत्म हो गया है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने इसमें कवर कर ली, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।